इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हैं। प्रयागराज में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी, आरओ एआरओ परीक्षा के लिए कमेटी गठित, परीक्षा स्थगित करने का विरोध कर रहे अभ्यर्थी, नोटिफिकेशन जारी करने की हो रही है मांग। यूपीपीएससी ने छात्रों की एक मांग मानी, पीसीएस भी परीक्षा एक ही दिन में होगी। अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज पांचवा दिन है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का मोहम्मद गुफरान, इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं। गुफरान, आज भी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है, फिलहाल क्या मौके पर स्थिति? बिल्कुल, देखिए आज पांचवा दिन है, अभ्यर्थी अभी भी यहाँ पर करीब 40 से 50 की संख्या में बैठे हुए हैं और उनकी ये मांग है कि आरओ एआरओ को लेकर के आयोग जो है वो अपनी स्थिति साफ नहीं किया है और इसलिए वो अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं, अपनी मांग पर अड़े हैं। आंदोलन की बात करें तो ये पांचवा दिन है, 11 नवम्बर को ये आंदोलन पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा और एआरओ आरओ और एआरओ को लेकर के शुरू हुई थी। हालाँकि पीसीएस को लेकर के कल जब स्थिति साफ हुई तो उसके बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो अपने डेलीगेसी, अपने हॉस्टल, अपने रूम के लिए वापस जा चुके हैं, लेकिन आरओ एआरओ को लेकर के आयोग के ठीक बाहर अभी भी बड़ी संख्या जो है अभ्यर्थियों की वो है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आंदोलन उनका किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये बताएं, आप लोग अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं, कब आप लोगों का ये धरना खत्म होगा? आरओ एआरओ को लेकर के अभी स्थिति साफ नहीं है, ये मांग है आप लोग? जब हमें नोटिस मिल जाएगी उसके बाद धरना खत्म हो जाएगा। नोटिस तो पीसीएस की हो गई है, नोटिफिकेशन आरओ का भी चाहिए ना? बिल्कुल, ये बताएं आप भी आरओ एआरओ को लेकर के ही बैठी हुई हैं? जी जी बिल्कुल, मैं एआरओ आरओ का, जब तक हम नोटिस नहीं लेके यहाँ से जाएंगे तब तक यहाँ से धरना से नहीं उठेंगे। बिल्कुल, और लोग हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं आप लोग आरओ एआरओ को लेकर के ही अपनी जो मांग है वो रख रहे हैं? जी सर, हम आरओ एआरओ के लिए ही बैठे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए एक तस्वीर ये भी हम दिखाएंगे, पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हैं, वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और इन अभ्यर्थियों को समझाने बुझाने का जो प्रयास है वो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट है वो लगातार जारी है और पुलिस चाहती है कि यहाँ से ये शिफ्ट होकर के धरना स्थल पर जाए। इसी वजह से एक बार फिर से पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है इन छात्रों को समझाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुफरान, इस जानकारी के लिए।